बिहार विधानसभा के भीतर जो बहुमत का प्रस्ताव था नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया है बिहार विधानसभा के भीतर। बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश ने बहुमत का टेस्ट पास कर लिया है। हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, 132 का आंकड़ा, यही वो आंकड़ा है जिसके साथ बहुमत का टेस्ट पास किया गया है या इसमें कोई फेरबदल? 132 का दावा किया गया था लेकिन 131 का आंकड़ा आया है, 131 से बहुमत साबित कर दिया है। हालांकि एक विधायक के मौजूद नहीं होने की वजह से, उनके अस्पताल में होने की वजह से उनका वोट नहीं हो पाया, लेकिन विपक्ष में 108 प्रस्ताव पड़े हैं। 108 के मुकाबले 131 वोट से बहुमत साबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित कर दिया। बीजेपी के साथ और घटक दलों के साथ 131 वोट मिल चुका है और अब बधाई का सिलसिला जारी है। जितने भी विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो नीतीश कुमार को बधाई देने के लिए उनके चैंबर में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, गणित तो पहले ही ये कह रहा था कि जीत नीतीश कुमार की, इस नई सरकार की हो जाएगी। बहुत आसान सफर होगा बहुमत का ये टेस्ट पास करने का, लेकिन जिस तरीके की घेराबंदी की फिराक में था विपक्ष, उसको देखते हुए ये बड़ी जीत नीतीश कुमार की इस नई सरकार की पहले ही टेस्ट में? प्रकाश, हम प्रकाश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने बहुमत का टेस्ट पास कर लिया है बिहार में। नीतीश सरकार ने अपना बहुमत विधानसभा के भीतर साबित किया, 131 वोट मिले नीतीश को अपने इस बहुमत प्रस्ताव में। नीतीश के पक्ष में 131 विधायकों ने वोट किया, नीतीश के विपक्ष में 108 वोट पड़े। एक बार फिर से रुक करते हैं, प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, जो अंकगणित है वो पहले ही कह रहा था कि मुश्किल नहीं होगी नीतीश कुमार की राह इस बहुमत के टेस्ट को पास करने में, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से फिराक में था कि मुश्किलें बढ़ाई जाएं, उस लिहाज से नीतीश कुमार की नई सरकार के इस पहले टेस्ट में बड़ी जीत, बड़े मायने इस जीत के? बिल्कुल, नई जीत और नई सरकार के साथ बीजेपी के निश्चित तौर पे अब नई शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने अपना भाषण रखा अंदर में और उसका जवाब देते हुए नंदकिशोर यादव, सुशील मोदी और आखिर में नीतीश कुमार ने जमकर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को नहीं बचाया जा सकता है, सेक्युलरिज्म की आड़ में, सांप्रदायिकता की आड़ में आप उसे नहीं बचा सकते हैं। ये बड़ा प्रहार था कि किस तरीके से उन्होंने क्यों छोड़ा, इस बारे में वो आईना दिखाएंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे कि किस हिसाब से ये बात होनी चाहिए और कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बाहर बताएंगे कि क्या क्या हुआ महागठबंधन में उनके साथ और उन्होंने क्यों सत्ता छोड़ी और क्यों इस्तीफा दे करके बीजेपी के साथ वो चले गए। बिल्कुल, जिस पल से इस्तीफा दिया था नीतीश कुमार ने, उस पल से वो ये कह रहे थे कि उनके साथ जो जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो विस्तार से बाद में बात करेंगे। और आज यही जिक्र एक बार फिर बिहार विधानसभा के भीतर भी नीतीश कुमार ने किया कि आईना दिखाएंगे वो सबको। और इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार, जिनके विश्वास मत का प्रस्ताव पास हो गया है, नीतीश कुमार की नई सरकार अपने पहले टेस्ट में पास हो गई है, 131 विधायकों ने नीतीश कुमार के पक्ष में वोट दिया, बहुमत का टेस्ट नीतीश सरकार ने पास कर लिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।